घूम के वहाँ से चलते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप लोगों की साहिल मेहनत कर रहे हैं। रोमन अंपायर देख सकते हैं। फिलहाल एक्सपीरियंस बताओ भाई। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं आज इस पर बैठा तो, लेकिन अब मैं दोबारा नहीं बैठूंगा। के बज रहे हैं 5:30। ये मीज़ान भाई आ चुके हैं। हम मीज़ान निकल रहे हैं ब्लू वर्ल्ड के लिए, और हम मीज़ान जा रहे हैं और गुरु वाले नहीं जा रहे हैं आज, बस निकलने की तैयारी है। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। खो जाए हम यूं लापता, आओ मिलो चले। सुबह हो गई है और मैं आया हूँ यहाँ पे नल पे बाल धोऊंगा। शक्ल तो दिख नहीं रही तुम्हारी नल पे। मैं आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ और यहाँ नल है, देख सकते हैं आप लोग, ठंडा पानी है। अब मैं यहाँ पे अपना जो है नहाऊंगा, सर धुलूंगा, नहाऊंगा। घुसो सर लेके घुसो अपना। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने खेत। ये अपना खेत है पूरा, जितना आपकी नज़र जा रही सारा। यहाँ मीज़ान भाई हैं, बैठे हैं, इनके साथ आए हैं। मुंह देखिए, अच्छा लग रहा भाई का। वहाँ ये ट्यूबवेल है, यहाँ नहाने का सोचे थे लेकिन यहाँ ठंडी बहुत है इसलिए हम लोग नहीं नहाएंगे। मीज़ान तुम्हारा क्या ख्याल है, नहाओगे? भाई देखिए, मुझे मैं वैसे भी ठंडी में जो है कम से कम 2 महीने तक नहीं नहाता हूँ, समझ रहे हैं? हाँ। और नहाता भी तो हूँ अगर मैं जैसे साफ नहीं हूँ, पाक साफ नहीं हूँ तब मैं नहाता हूँ, वरना नहीं नहाते। वरना मैं नहाने का कोई चांस नहीं है अपने पास। ये बेहतरीन व्यू खेत का, शुद्ध हवा। तो इतनी हॉट है, मैं क्रॉस करूं लाइन, वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड, तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, सिप करूं वाइन। तो इतनी हॉट है, मैं क्रॉस करूं लाइन। ए अश्लील गाना नहीं फील गाना है, बड़ा हुआ भेजे से चल बदन में, अब फील लाना चिल्लाना बंद करती नहीं, मैं जा रहा हूँ डीप उसके प्यार में, कहती है कि सुनती है संगीत मेरे। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ब्लू वर्ल्ड। क्या नज़ारा है यहाँ का, वाह यार। हम लोग आ चुके हैं टिकट काउंटर पे। आज यहाँ बहुत सन्नाटा है। मीज़ान कैमरा पकड़ो। सर 2 टिकट्स दे दिए फुल, कितना हुआ? ओके साहिल भाई कितना टिकट ले रहे हैं आप? 6 ले रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली, बस घूमना बाकी है। आओ उधर चलते हैं। कैसा लग रहा है मीज़ान? बहुत मज़ा आ रहा है इस समय, क्योंकि साहिल भाई की ट्रीट है ये, और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आ, 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 आ,
आपको ये एनिमल्स पत्थर के लग रहे होंगे, लेकिन दरअसल ये हैं सिर्फ फाइबर के। जितने भी एनिमल दिख रहे हैं सब फाइबर के हैं। यहाँ पर जितने भी एनिमल हैं सब फाइबर के हैं। और अभी भी काम जारी है पेंटिंग का। इलाहाबाद से 200 किलोमीटर की दूरी पर ये बना है, बिठूर में, कानपुर के पास। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो ज़रूर यहाँ पर आएँ। सीरियसली बहुत प्यारी जगह है, आप लोग एक बार ज़रूर आएँ। रमज़ान, अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ब्लू वर्ल्ड में, अब मैं जाऊंगा सुहाना सफ़र। तो सुहाना सफ़र मतलब ये नाम है सुहाना सफ़र, और सुहाना है भी। तो अब आप लोग आगे मैं इस चीज़ को भी दिखाऊंगा कि सुहाना सफ़र किस तरीके से है। ओके, ये सुहाना सफ़र स्टार्ट हो गया हम लोग का। आप लोगों या आप लोग को एंशिएंट पीरियड और जुरासिक वर्ल्ड सब दिखाया जाएगा। रमज़ान, हम लोग सुहाना सफ़र निकल चुके हैं। सुहाना सफ़र, बेगाना सफ़र ना हो जाए। सुहाना सफ़र के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए, और ये व्यू बहुत ही प्यारा है। यहाँ भी काम भी चल रहा है और चीज़ों का। मिज़ान बोर्ड निकाल रहा है, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ। ये चाइना टाउन है, थोड़ा चाइनीज़ लुक दिया गया इसको। बहुत ही प्यारा व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। मिज़ान ये मल्लहा बनते हुए जी निज़ाम मिज़ान बल्ले भैया, ए नाव वाले मैं ढक रही है, तो बैठो। एक तरफ बस, हाँ बैठे रह चुकूँ से आ रहे हम। कैसा लग रहा निदान? आ चुके हैं, हैंडल मेरे हाथ में है। निदान थक जाओगे, बहुत लोड लेगा पैर, आराम आराम चलाओ। जैसा कि देख रहे हैं आप लोगों की साहिल मेहनत कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो हैं साहिल। आप लोग देख सकते हैं गमलों में, ये देख सकते हैं आप।
ये मीज़ान भाई नाव चलाते हुए आती नहीं ना, लेकिन चला रहे हैं और दीवार में ठोकने वाले हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कार चलाने, ये हमारे मीज़ान भाई बहुत खुश हैं, बहुत प्यारा व्यू है वो सामने, जिराफ और बंदर। देखते हैं और क्या है आगे, देखते रहिए आप लोग मेरे साथ। हम लोग देख सकते हैं, अब हम लोग चाह रहे हैं सिविल लाइन, इससे सिविल लाइन जाएंगे इससे। अब हम देख सकते हैं, एक्सीलेटर लीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं। अबे हट साले, बार बार ठोक रहा है हमको। अबे मेरे पीछे क्यों आ रहा, अपना उधर चला ना यार, जब मेरे पीछे बोला है बार बार। खाली देंगे तुम्हें ये खा, ये हैं हफ्ती कह रहे हैं खाना ढकेल के खाना, 500 रुपये वसूल कर लेना, छोहा नहीं। भाई इस पे चलेंगे, चलेंगे भाई, हमारी हिम्मत नहीं है। हाँ अमीजान आ गया, यही है और हम लोग एटोरिया आ गए हैं, यहाँ पे हम अब लंच करेंगे। कूपन कूपन। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, प्लेट मिल चुकी है और मीज़ान ऑलरेडी खाने के लिए पहुंच चुका है। आज बहुत ज़्यादा भूखा है क्योंकि हम वो कार जब से चला रहा उसने कुछ नहीं खाया और हमने उसे खाने भी नहीं दिया कि वहीं जाके खाना। कहाँ गया ये, ले प्लेट पर लो अपनी, दोनों इतना ना खा लेना कि गाड़ी ना चला पाओ, आराम से खाना, फ्री का है मालूम है फ्री का है, लेकिन खाना आराम से, यहाँ बुफे सिस्टम है बहुत अच्छा। खाना खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं इसी फ्लाइट के लिए और देखते हैं आगे क्या क्या है। ये जुरासिक पार्क है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए यहाँ बंद है, लेकिन देख के लगता है बहुत प्यारा बनेगा।
घूम के वहाँ से चलते हैं फिर। ये वो है क्या, लंदन ब्रिज खतरनाक। कैसा लग रहा मीजान? हालत खराब है। झूला पे कैसे बैठोगे यार जब इसमें हालत खराब है? एक्सपीरियंस बताओ भाई। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं आज इस पे बैठा तो, लेकिन अब मैं दोबारा नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे अपनी ये ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है। अब हम लोग 70 का मज़ा लेते हुए चश्मे कैसे लगाऊं यार, क्योंकि मेरे को भी तो अब हम लोग वापसी निकल चुके हैं। रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग हाईवे पकड़ चुके हैं कानपुर वाला इलाहाबाद के लिए। अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं।